أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وسين الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في व وكان الله غنيا हमीदा <حَمِيدًا> अभी आपके सामने आयत नंबर 131, थर्टी वन पारावल मोहसिनत सरा निसा की तलावत की गई अब हम उसका तर्जुमा देखेंगे और अल्लाह का है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में और यकीनन हमने की थी वसीयत यानी हिदायत इन लोगों को जिनको किताब दी गई थी तुमसे पहले और तुम खुद भी अपना अपना व यानी यानि जिंदगी अल्लाह का और अगर करोगे कुफ़्र यानी इनकार नहीं मानोगे यानी इनकार करोगे कुफ्र माने इनकार करना यानी नहीं मानोगे तो नहीं मानो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं है फिर यकीनन अल्लाह का है वो जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में वकानल्ला गनीजन हमीदा और है अल्लाह बे और हर हाल में मुस्तक हमदोसना का आयत नंबर एक सौ बत्तीस वाफिस व माफिल वकीला और अल्लाह का है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में वक़ा बिल्ल वकीला और काफ़ी है अल्लाह का काम बनाने वाला अल्लाह काम बनाने वाला आज हम करेंगे एक सौ इकतीस से एक सौ पैंतीस तक की तलावत और उसका तर्जुमा भी देखेंगे पारा वही है वलमोसिनत पारा यानि कि चैप्टर नंबर पाँच फाइफ चैप्टर नंबर फाइफ सूर्य नंबर चार सूर्य अन्य अब वन थर्टी थ्री देखते हैं वक़ान्ला का कदीरा और अगर वो चाहे यानि अल्ला चाहे तो हटा ले जाए तुम इंसानों को और ले आए वह दूसरों को वकानल्ला वकानल्ला कदीरा और है अल्लाह इस पर पूरी तरह से कादिर एक सौ चौंतीस यानि वन थर्टी फोर मन यी दोनिया सवाब दुनिया वक़ानल्ला समय अम बसीरा जो कोई शख्स चाहता है कि मिले सवाब उसको यानी अजर मिले जजा मिले सिला मिले दुनिया में तो जान ले कि अल्लाह के पास है सवाब दुनिया का भी और आखिरत का भी वक़ानल्ला अल्लाह अम बसीरा और है अल्लाह हर बात का सुनने वाला और हर चीज़ पर नज़र रखने वाला एक सौ पैंतीस वन थर्टी फ़ाइव या लजीना मनु कन कवा मीना बिलकिस शोहद शुहद أو فقيرا فالله لا بهما فلا, بهم فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن طلعوا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون بخير خبيرا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ए लोगों जो ईमान लाए हो तुम क़ायम करने वाले हो जाओ इंसाफ को गवाही से अल्लाह के लिए अगरचे कि गवाही हो खुद तुम्हारे ख़िलाफ़ अपने ज़ात के ही या वालदे और रिश्तेदार के ही चाहे वो शख़्स कोई मालदार हो या गरीब फिर अल्लाह ज़्यादा खैर ख्वाह है तुमसे उनका बस नहीं करो पैरवी तुम ख्वाहिशा नफ्स की कि आ जाओ बाज़ अदल करने में इंसाफ़ करने में और अगर करोगे बात घुमा फिरा कर लगी लिपटी गवाही में या करोगे नज़रअंदाज़ तो यकीनन अल्लाह है इस मज़लूम के साथ जो एमाल करते हो तो तुम है पूरी तरह बाख़बर सो अल्लाह तमाम पूरी तरह बाख़बर है जो कुछ हम एमाल करते हैं अल्लाह सुबहान तुम बाज़ आ जाओ अपने ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करने से यानी अदल का निज़ाम क़ायम करो घुमा फिरा कर बात ना करो लगी लिपटी बात ना करो और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो यकीनन अल्लाह है इस मज़लूम के साथ जो एमाल करते हो तुम है पूरी तरह बाखबर अल्लाह सुबाना हु ताला, सदक अल्लाहुल सदकम